भरवा मिर्च बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि पावर हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च हमें छोटी और थोड़ी मोटी वाली लेनी है, जिसे अच्छे से इसमें स्टफिंग भरी जा सके। तो मैंने इनको अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है, पोंछ लिया। अब हम इसके कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाना है और ये अंदर जो बीज है हम निकाल लेंगे। ये देखिए अंदर से सारे बीज निकाल दिए। इस तरह से मैं ये सारी मिर्चियों के कट लगा लूंगी। पर हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी मिर्च काटें तो उससे पहले आप थोड़ा हाथों के सरसों का तेल या देसी घी लगा लें, जिससे जलन नहीं होगी। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और ये 1/2 कप बेसन लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें बेसन डाल दूंगी। हल्का सा जीरा डाल के हम देखेंगे कि ऑयल गर्म हो गया क्या। हाँ, जीरा ऊपर आ गया, इसका मतलब ऑयल गर्म है। बेसन को हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे बेसन कच्चा नहीं रहे। देखिए बेसन का कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी आने लग गई है, बेसन सिकने लगा है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच नमक। खटाई के लिए 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ये पहले गरम करके ठंडा किया हुआ है। आपको बहुत तीखा चटपटा मसाला चाहिए तो आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। पर ऑलरेडी मिर्च, नाम ही उसका मिर्च है, तो इसलिए मैं इसमें गरम मसाला नहीं ऐड कर रही। ये हरे मिर्च जिनके मैंने कट लगा लिए थे, इनको हम इस स्टफिंग से भर देंगे। देखिए इस तरह से ये सारे मिर्च भर लेंगे। जैसे मैंने पहले चने की दाल की मिर्च, दही वाली मिर्च, राई की मिर्च कई तरह से बनाई है, और भी कई रेसिपी बनती है। घर में कैसी भी सब्जी बनी हो आप ये मिर्च ले लेंगे तो इससे बहुत आराम से अच्छे से खाना खा सकते हैं। सफर में जा रहे हो तो पूरी पराठे के साथ इसे आप आराम से ले जाएंगे और उसका लुत्फ उठाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी मिर्च भी पूरी भर गई है और मसाला भी इतना ही बना है कि सारी मिर्ची अच्छे से भर गई और कम भी नहीं रहा। ये मसाला जो थोड़ा बचा है ये हम ऊपर से डाल देंगे जब मिर्च छौंकेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच जीरा भुन गया, हम इसमें मिर्च डालेंगे। गैस को सिम पे ही रखना है।
इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे इसमें अंदर तक नमक हो जाए, ऊपर भी थोड़ा नमक हो जाए। इसमें मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, इसलिए थोड़ा सा हाथ में ही इस तरह से पानी लेके हम पानी के छींटे लगा देंगे, जिससे मिर्च जलेगी नहीं, मसाला नहीं जलेगा। अब मैंने ये एक प्लेट ली है, इससे इसको ढक देंगे और इस पर भी थोड़ा पानी डाल देंगे। 2-3 मिनट मिर्च को पकने देंगे। एक बार हम चेक करते हैं मिर्च को, होने लगी है, पकने लगी है मिर्च। तो हम ये मसाला जो बचा हुआ था इसमें डाल देंगे, जिससे ये भी थोड़ा फ्राई हो जाएगा। अब हमने 1 मिनट और ढक देते हैं। हम ढक्कन हटा के देखते हैं मिर्च को, देखिए अच्छे से पक गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तैयार है हमारी बेसन वाली भरवा मिर्च। प्लीज आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताया कीजिए कि कैसी बनी आपकी रेसिपी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे नेक्स्ट रेसिपी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।